हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। देवा स्टडी पॉइंट IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट दें और आप कमेंट में बताएं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं दोस्तों। आल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान के आल एग्जाम्स के लिए, राजस्थान पुलिस, पटवारी, लाइब्रेरी, ऑल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का, तो व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ जाइए, आपको PDF भी मिल जाएगा दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन होगा आपका, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है, तो इसमें आपका राइट क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका राइट हो जाएगा खरीफ। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। दो नंबर क्वेश्चन होगा आपका, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों श्रीगंगानगर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन होगा आपका, राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों गेहूं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का आल एग्जाम्स के। फोर नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में बाजरा सर्वाधिक उत्पादित होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइव नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जयपुर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। सिक्स नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। सेवन नंबर क्वेश्चन होगा, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन पर्सिया में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन होगा, एट नंबर क्वेश्चन होगा, राजस्थान का कौन सा शेर बेल बुंटू की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों सांगानेर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नाइन नंबर क्वेश्चन होगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कमेंट में आप जरूर बताएं दोस्तों आपके कितने राइट हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें सब और शेयर करें दोस्तों। राजस्थान में परिवहन के साधनों में कौन नहीं है? राजस्थान में परिवहन के साधनों में कौन नहीं है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जल मार्ग। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेल मार्ग है, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, ये तीनों मार्ग है, जल मार्ग हमारे राजस्थान में नहीं है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन होगा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जयपुर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जयपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, NH3। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जोधपुर। ये जोधपुर नहीं है दोस्तों, जोधपुर है ये, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन होगा, तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों रामदेव हाड़ा ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान फलोदी किस जिले में है? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान फलोदी किस जिले में है? इसमें आपका राइट हो जाएगा जोधपुर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन होगा,
राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ स्थित है? प्रवास स्थल कहाँ है ग्रीष्मकालीन, इसमें आपका राइट होगा दोस्तों माउंट आबू। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माउंट आबू सिरोही दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जयपुर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा 18 नंबर क्वेश्चन होगा, जैसलमेर का प्राचीन नाम था, जैसलमेर का प्राचीन नाम था, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों मांड, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जैसलमेर नगर के संस्थापक है, जैसलमेर नगर के संस्थापक है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों राव जैसल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आमेर का किला किस वर्ष निर्मित हुआ? आमेर का किला किस वर्ष निर्मित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें राइट हो जाएगा 1150, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया? उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया 21 में, आपका राइट हो जाएगा दोस्तों राणा कुंभा ने। उदयपुर में स्थित कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा ने बनवाया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है? प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जयपुर में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इसलाट कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों इसलाट कहाँ है, इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जयपुर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर, भरतपुर के संस्थापक कौन थे? भरतपुर के संस्थापक कौन थे, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा राजा सूरजमल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 25, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर में है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने राइट हो रहे हैं। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं, तो 26 में आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जोधपुर में, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 1973, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन होगा, किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऊंट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स उपक्रम कहां पर है? राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स उपक्रम कहां है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 29 में डीडवाना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों डीडवाना नागौर। 30 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ अधिक विकसित है? राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ अधिक विकसित है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है अगला, इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन धौलपुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान का सर्वाधिक आदर जिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों झालावाड़, आदर जिला कौन सा है, झालावाड़ है दोस्तों। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों गुरु शिखर है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात है? कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों पुष्कर जी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा पुष्कर, अजमेर दोस्तों। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों अरावली पर्वतमाला, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों चूरू, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन होगा, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी लंबा सॉरी क्या है, राजस्थान का सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर जिला नहीं है दोस्तों, नदी है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है दोस्तों,
जिला नहीं है, नदी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक लंबी नदी। अगला क्वेश्चन होगा 37, राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कौन सा है, राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कौन सा है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा जयपुर दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कौन है, कौन सा है, राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कौन सा है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जयपुर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन होगा, राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहां पर हुई, राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहां पर हुई, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों कोटा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित है, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट हो जाएगा उदयपुर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस कहलाता है, पूर्व का वेनिस कहलाता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा उदयपुर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा 43, राजस्थान के किस शहर को किलो का शहर कहा जाता है, किलो का शहर कहा जाता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जोधपुर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, किलो का शहर। 44 नंबर क्वेश्चन होगा, राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है, राजस्थान का थर्मोपोली, बी ऑप्शन हल्दी घाटी को कहलाता है, हल्दी घाटी को कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 45 में जयपुर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन होगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा भरतपुर दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 47, राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा डूंगरपुर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहाड़ों की नगरी। 48 नंबर क्वेश्चन होगा, सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन राइट, राजस्थान। 49 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव कहलाता है, राजस्थान का गौरव कहलाता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 49 में चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है। कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका माउंट आबू हो जाएगा दोस्तों, माउंट आबू सिरोही, कौन सा शहर राजस्थान में शिमला कहलाता है, तो माउंट आबू, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आयल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान के, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।